हम सभी लोग इसी में स्नो स्टॉर्म में ही गाड़ी चला रहे हैं। खतरनाक एक्सपीरियंस है भाई। बस चले दोनों हाथ से पकड़ ले टाइट भाई साहब। भाई फटी पड़ी है भाई। हम आज जा रहे हैं, मेरा जो सपना था वो देखने, वो है चेशम ब्रिज। अच्छा, वो हम की पहले की मॉनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद किब्बर विलेज, उसके आगे है चेशम ब्रिज, वहां तक जाएंगे और वापस आएंगे। ये है 4500 मीटर्स अबव सी लेवल सिचुएटेड है, हाँ, यस, है ना, और अराउंड 1000 फीट इसकी डेप्थ है। क्या की विलेज आ गया अपना? हाँ, की विलेज आ गया बिल्कुल सर, सामने दिख रहा है, मतलब आया एक किलोमीटर आ रहे, नॉट टू फार, सही चल रही है, लेकिन बराबर डर लग रहा है, फट रही है भाई। नहीं बट अच्छा ड्राइव कर रहा है। हाँ हो गया। हाँ, और की मॉनेस्ट्री इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये काजा या फिर ये समझ लीजिए कि लाहौल स्पीति की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, और वहाँ पर कम से कम 100 और 150 स्टूडेंट्स रहते हैं। अंदर एक स्कूल भी है और उसमें मिक्स एजुकेशन होती हैं, मतलब बौद्धिज्म प्लस अपनी मॉडर्न साइंस, दोनों चीज़ों को वो वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। अब ये आ गया वेलकम गेट ऑफ की मॉनेस्ट्री भाई, आगे वाइट की मॉनेस्ट्री के अंदर। पहले देखी थी एकदम ड्राई सूखी, अब देखेंगे एकदम वाइट। लेता जा, ले और ले और ले। की मॉनेस्ट्री अगर बंद है उसका रास्ता 1 किलोमीटर तक, तो कोशिश करते हैं चढ़ने की। टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड -20 विद अ चिल फैक्टर। सी दैट इज द मॉनेस्ट्री, वहां तक जाना है हमको भी। स्नो में चढ़ना, इट ड्रॉप्स डाउन योर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अप टू 70-75% और से 80% इन सम पीपल। मुंह पे आ रही है स्नो, मुंह पे सामने से। सी आई एम जस्ट लविंग इट। और हम लोगों ने अभी मैगी बना ली भाई साहब, बूटेन पे मैगी खाई, अभी तो हम तो खा ही रहा है, हमला है खाली भाई। चाट रहा हूँ भाई, ये देखो उंगलियां खत्म होने के बाद भाई साहब देखो उंगलियां और जीभ से चाट रहा है। टेम्परेचर भाई साहब क्या कहें यार, -20 क्या सर फील है। अभी भी स्नो गिर रही है, रास्ते सारे बंदे नीचे उतरने का रास्ता खुला है, बाकी राइट और लेफ्ट किब्बर के लिए रास्ता बंद और की मॉनेस्ट्री के लिए रास्ता बंद। कैसे चलेगा भाई इस कॉन्वॉय में? ऑलमोस्ट सबके पास में 4x4 व्हीकल है, स्नो चैन डाल रखी है। लोकल्स देखो अल्टो चढ़ा रहे, मतलब धक्का दे दे करके अल्टो। हमें कभी कभी तो हमारे ऊपर ही गिन आती है कि ये क्या कर रहे हैं हम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो भाई अल्टो चढ़ा रहे हैं। चढ़ा ली उसने देख, और हमारी तो कभी इधर जा रही है कभी उधर मुड़ रही है भाई साहब। ये है एक्सपीरियंस इतने सालों का, 6 महीने ये बर्फ में गाड़ियाँ चलाते ना, इनको पता है कि कैसे चलानी है। हम साला 6 साल में एक बार चलाते। देखो की मॉनेस्ट्री का रास्ता बंद है, ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है पिछले 2 दिन से तो वो बंद है। अब हम जा रहे हैं किब्बर की तरह, तो ये पता लग रहा है कि वो भी रास्ता बंद है। चेशम ब्रिज भी होना मुश्किल है, सी कहाँ तक जा सकते हैं। ये इधर जो टर्न जा रहा है ना वो हाँ, जा रहेगा किब्बर के लिए, वो किब्बर के लिए जाएगा राइट। भाई बोल, भाई बोल, इसमें भी मजा तो आ रहा है भैया, है ना। हाँ, वही वाला जो हिक्किम कॉमिक वाला मजा था ना, हाँ, वो आज भी हो गया है, चेशम में भी हो गया है। मतलब हल्के में ले रहे थे चेशम को, हाँ, रास्ता इतना हल्का नहीं है, और एक्चुअली उससे तो हल्का है, लेकिन जो लेवल ऑफ स्नोफॉल हुआ है ना पिछले 2 दिन में थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है। अभी 2 घंटे पहले तो बंद था रास्ता, वो जेसीबी निकली, अभी जेसीबी ने निकाला, अभी थोड़ी देर पहले तो निकली है अपन, जहाँ लाइन अप हुए थे और गए हुए थे की मॉनेस्ट्री में। सही कह रहे हो भाई, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर है भाई। किब्बर जो है वो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वहाँ पे मतलब एक्चुअली नेशनल पार्क है किब्बर, वहाँ पर स्नो लेपर्ड, गोल्डन ईगल, आईबैक्स और रेयर स्पीशीज या इनडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। नोबडी इज हियर ऑन दिस ब्रिज,
द ब्रिज इज क्लोज ड्यू टू स्नोफॉल और मैं यहाँ आधा घंटा पैदल चल के आया हूँ इसको देखने के लिए। एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, मुझे आना ही था किसी भी हालत में। स्नो कंडीशंस ऐसी थी कि व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, तो हमारा व्हीकल कुछ दूर पहले खड़ा हो गया है, देखते हैं अगर आ सकते हैं तो। जेसीबी क्लियर कर रही है, बट मैं तो आ गया दौड़ के। अपन दोनों भाई हैं, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, रोते रोते मरते मारते पैदल वाली स्पीड में चल के। पिछले डेढ़ घंटे से फंसे पड़े हैं, पिछले डेढ़ घंटे से फंसा पड़ा है और ब्रिज देखने के चक्कर में मैं गाड़ी से उतरा और दौड़ के ब्रिज तक चला गया। जेसीबी पीछे, मैं अकेला बैठा हूँ। मैं गाड़ी के अंदर, भाई गाड़ी तो संभाले, आगे कौन ले जाएगा गाड़ी को। और भाई जाकर किसी जम ब्रिज देख के आ गए, अंधेरा हो चुका है। मैंने देखा नहीं था भाई, ये तो भाई आता रहता है और आता रहेगा। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो देख लूंगा और देख भी लिया मैंने पहले भी, और अभी भी अपन उधर से ही जाएंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट डेढ़ घंटे से जेसीबी पहले तो रोड क्लियर कर रही है, स्नो साफ कर रही है, उसके बाद में रोड खुले, मतलब अब खुला है। सोचो आप डेढ़ घंटे से रोड खुला, मतलब ये हम अभी फर्स्ट कन्वॉय चल रहा है, बस हम जेसीबी के पीछे पीछे चल रहे हैं। माय गॉड, रोड साफ कर रही है और अभी शाम की 6:30 अंधेरा हो चुका है, क्रेजी ड्राइव, खतरनाक ठंड है, मस्त से की रिस्की है ये तो, रिस्की है भाई ये तो, मतलब हमें नहीं पता था, वरना हम ऐसा रिस्क नहीं लेता। नीचे अकेले नहीं है, पूरा कॉन्वे 10 गाड़ियां हमारे साथ, इसलिए रोड की वाली बात नहीं। 2 घंटे हुए पूरे, अब जाके सारी गाड़ियां रिकवर हो गई, सारी ने यू टर्न ले लिया चिचम ब्रिज से और अब हम वापस काजा की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। देखते हैं शांति से नीचे उतर जाए, 10 से ऊपर कुछ जाना है ना। मैं एक्सीलेटर पे हूँ बस, ना मैं बस क्लच पे हूँ, ना मैं ब्रेक पे, बस आराम से मेरी तरफ देखो। हाँ तू गाइड करता रहे, बस मेरी तरफ देखो। तू एक पैराशूट लगवा रहा था, अरे वो देख अगली बार तक उपाय लगा रही है, तो थोड़ा बढ़िया सा लगाना, मतलब 4-5 टन का लगाना। चुप करते बस, अपन निकल जाएंगे गाड़ी। हाँ नहीं गाड़ी सही थी, लगवा रही सही था कहीं पता करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक सीट इजेक्टर भी होता है। हाँ वो सीट वो, हाँ मतलब जैसे एरोप्लेन में होता है ना, वो फाइटर प्लेन क्रैश हो रहा होता, दबा दो और बाहर निकल जाओगे। लेफ्ट लेफ्ट बस, एकदम बर्फीली हवाएं चल रही है, मतलब आप एक मतलब क्या 10 सेकंड भी खिड़की नहीं खोल सकते। आगे हमारे कैप्टन की गाड़ी चल रही है, इसी के चक्कर में आना पड़ा कैप्टन की वीडियो देख देख के। मेरी तरफ नहीं है, इधर टकरा जाए कोई नहीं। देख स्नो स्टॉर्म आ रहा है, देख कैसी बर्फीली हवाएं चल रही है, देख बर्फीली हवाएं चल रही है, सब धनाधन धनाधन धनाधन। ये स्नो स्टॉर्म, लेफ्ट लेफ्ट रोलिंग, पत्थर गिर रहे हैं, तेरी तरफ और घुमा और घुमा पूरा डन डन धीरे से। वाओ दैट वाज परफेक्ट, सीधा सीधा इस बार फटी थी, लेकिन मैंने क्लच पे ब्रेक पे पैर ही नहीं लगाया। सब कुछ स्नो स्टॉर्म में ढक रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो इतनी सारी लाइटें चल रही है, कोई 10 फीट की दूरी पे आगे गाड़ी चल रही है, 20 फीट की, और उसने इतनी सारी लाइटें ज़्यादा रखी है तब जाके ये कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, वरना पूरा कवर्ड हो गया है स्नो स्टॉर्म से, कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी एकदम कम हो गई। विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं भाई, दिनेश जी के पीछे टंग लो बस, गाड़ी के पीछे भी चलते रहो। विजिबिलिटी तो कुछ नहीं है भाई, रोड दिखने लग गई ना, लेफ्ट 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 लेफ्ट, रोड नहीं दिखने वाली भाई, ये स्नो ही है, स्नो ही है सब, ठेठ तक ही स्नो है यार, काजा तक रोड कहीं पे भी नहीं दिखेगी, काजा तक अभी तो आधे भी नहीं आए सेक्शन तो। अच्छा
आराम से देखें। वैसे भाई पिछले एक घंटे से जो अपन डिसेंड कर रहे हैं ना, वो जिंदगी की मतलब सबसे टफेस्ट ड्राइव। उस दिन भी अपन ने इतनी टफ उस दिन अपन अनएक्सपीरियंस थे इसलिए ज्यादा टफ लग रही थी। आज मुझे तो थोड़ी ये रियली टफ है और अपन थोड़े से बेटर लग रही है मुझे तो, क्योंकि अपन थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए। हाँ, उनको आइडिया लग गया। डर नहीं लगा। हाँ, बस मैं सतर्क था, आंखें फटी हुई है मेरी, बट डर नहीं लग रहा। सेम जब मैं चढ़ा रहा था तब गाड़ी तब भी यही आलम था। पूरे कॉन्शियस थे बिल्कुल, कोई रिस्क नहीं लिए, कोई फालतू का ब्रेक नहीं, कोई पैनिक ब्रेकिंग नहीं, कोई रेस नहीं लगाई। आराम से 10-15-20 की स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड लगाई। परसों तो फट गई थी यार, परसों तो ज्यादा ही हो गई। फर्स्ट में लेके अपने बस धीरे धीरे पूरे काट ले भाई, बस ब्रेकिंग मत लगी। अच्छा बस बस ये हमने टेक्निक सीख ली कैसे बर्फ में गाड़ी चलाई। बस अब हम पहुंच गए, थैंक्स गॉड कि हम सुरक्षित वापस आ गए दोनों जी ने। मतलब इससे अभी काजा ही है, अभी कल वापस खतरनाक ट्रिप करनी है। लेकिन दोस्तों जुड़े रहो मेरे साथ ऐसी ट्रिप के लिए। ओए की मनुष्य की वो लाइटें स्टार्ट हो गई है, अब